हेलो गाइस, इस वीडियो में हमने एक थीम डाउनलोड की है ताकि हम अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकें डिज़ाइन के व्यू में। तो अभी तक के लिए हमने लॉगिन सेक्शन में बना रखा है। हम चाहते हैं ये पूरा एक कंप्लीट पैनल बना हुआ रहे। तो मैं भी गया गूगल पे, मैं लिखा स्कूल टेम्पलेट, तो पहली पहली वेबसाइट के अंदर ही बहुत सारी थीम मौजूद थी और वन क्लिक पर डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, आपने से जो अच्छा लगे आप उसको डाउनलोड कर लेना। मैंने इसको क्लिक करके और इसको डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड का ऑप्शन तो जिसके नीचे आएगा, आप इसको डाउनलोड कर लेना है ना। डाउनलोड आपकी जिप फाइल में होगी, आप इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना डेस्कटॉप के ऊपर। मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया यहाँ पर स्मार्ट EDU के नाम से। तो इतना आप सब कर सकते हो। आपने किया क्या है, इसके अंदर कुछ फाइलें थी है ना, तो यहाँ पर इंडेक्स की थी, यहाँ पर इमेजेस फॉन्ट, तो सबको मैंने 1-1 कर दिया क्योंकि ये इमेजेस CSS पहले से ही वहाँ बने हुए हैं। तो मैंने इन सबको 1-1 कर दिया है और अंदर का भी सब जहाँ जहाँ इमेजेस लिखा था उसको 1-1 में कन्वर्ट कर दिया है। थोड़ा टाइम लगा पर मैंने आपको बता दिया कि हाँ ये आप भी कर लेना, वरना अभी दोनों CSS इमेजेस क्लैश कर जाएंगे तो वो आपको कंटिन्यू हो नहीं पाएगा। अब हमारा अगला काम क्या है, इन सारी फाइलों को हम अपने इस फाइल में डाल देते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट वाली फाइल में। तो इस प्रोजेक्ट को उठाते हैं यहाँ से और ये जितनी भी फाइलें आपकी यहाँ से हैं, इसको 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 PHP की फाइल का काम नहीं है, ये आपके कॉन्टैक्ट को भेजने के लिए है, हम वैसे ही भेज देंगे। तो आप इन सबको उठाना और ले आके अपने EGS में डाल देना। ठीक है, पहला काम। फिर ये जो आपके CSS इमेजेस और JS वाली फाइलें हैं इनको उठा के आप पहले डॉक्यूमेंट को ओपन कर दूँ। कहाँ पे मिलेगा ये आपको, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर देता हूँ, ये आपका मिनिमाइज हो जाएगा। ठीक है, और फिर सबको मिनिमाइज़ कर देता हूँ। हमें करना क्या, पब्लिक वाले सेक्शन में डालना है। क्लियर है, थोड़ा पे CSS 1, इमेजेस 1 और JS 1, इन सबको उठा कर क्या कर दो, अपने पब्लिक वाले फोल्डर में डाल दो, कॉपी कर दो कॉपी फोल्डर। एक बार चेक कर लेना कोई गड़बड़ ना हो, CSS बना रहा है। इसको मिनिमाइज कर देते हैं, इसको मिनिमाइज कर देते हैं है ना। तो CSS 1 आ रहा है आपका, इमेजेस 1 भी आ गया है आपका और JS 1 भी आ गया है। ठीक है, तीनों फाइलें आपकी आ चुकी हैं और आपका यहाँ पर व्यूज के अंदर ये भी आ गया है ना, style.css। ये हो सकता है प्रॉब्लम क्रिएट करे, style.css। तो एक बार इसको शायद बाहर रख देता हूँ, देखेंगे फिर बाद में क्या चेंजेस करना है। ठीक है, style.css को मैंने बाहर रख दिया है। 9+ पता नहीं क्या दिखा रहा है, कुछ इश्यूज तो नहीं है, CSS की फाइल ही है। तो करना ये है हमें, तो जितनी भी HTML की फाइलें हैं सबको आपको EGS में कन्वर्ट कर देना है ना, कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, यहाँ से आ जाओ और इसको कर दो EGS about.egs और इसमें भी आ जाओ, यहाँ पे क्या कर दो .egs ब्लॉग में भी आ जाओ, ब्लॉग में क्या कर दोगे .egs और इसमें भी आ जाओ कॉन्टेंट भी कर दोगे आप, .egs grid 2 में भी सेम काम, .egs। तो हमने सारी फाइलों को EGS में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, तो केवल हम भी एक फाइल पर टेस्टिंग करके देखते हैं, अगर ये फाइल पर चल जाएगा तो सारे फाइलों पे चल जाएगा आपका। हाँ, तो हम चेक करते हैं सबसे मेन वाली फाइल पर जिसका नाम क्या दिया हमने, मेन है ना, main.egs। तो main.egs तो दे दिया है पर हमें इसका राउट भी बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पर आओगे और पब्लिक कुछ छोटा कर देते हैं, राउट्स के अंदर आओगे, एक फाइल बनाओगे क्या main.gs के नाम से। ठीक है, और कोई भी एक क्लास कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर देना,
ये सब तो बड़ी क्लासेस है, यूजर्स खाली पड़ी थी। हाँ नहीं, यूजर्स के अंदर तो वो है, तो अभी लॉग आउट में क्या लिखा हुआ था अपने, उसमें कुछ नहीं भरा हुआ, ये एडिट क्लास, चलो उसी को उठा लेते हैं, इसे कॉपी कर लो और मेन डॉट जी एस के अंदर पेस्ट कर दो। इसका रूट क्या होगा आपका, मेन, और यहाँ पे रेंडर कहाँ होना चाहिए, मेन के अंदर, है ना, मेन डॉट जी एस के अंदर रेंडर भी हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, ऐप डॉट जी एस में आना है नीचे वापस, और यहाँ पे इसका बना लेना मेन का भी, है ना, बना सकते हैं जैसे आपने बाकी का बनाया हुआ है, तो इसको कॉपी कर लो और इसको नीचे करके पेस्ट कर दो। तो क्या आ जाएगा आपका, ये मेन राउटर, छोटा करके मेन राउटर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कहाँ जा रहा हूँ मैं, मेन राउटर ऊपर है ना, इसको करना है यहाँ से यार, इसको कर लोगे क्या आप मेन, ठीक है ना, कुछ गड़बड़ नहीं, हाँ मेन हो गया। अब आप नीचे आओगे और इसको यहाँ पर यूज़ कर लोगे, ऐप डॉट यूज, कॉपी कर लेना इसको, नीचे पेस्ट कर देना, यहाँ पे क्या लिख देना, मेन राउटर, है ना, मेन स्पेलिंग आप सही रखना। तो ये तो हो गया पहला काम, मेन राउटर वाला, ठीक है। तो जैसे हम अगर लोकल होस्ट स्लैश मेन लिखते हैं, लिखने के आता है आपको देखना नोड बाउंड चालू है कि नहीं, क्या प्रॉब्लम आ रही है, चल रहा है। और यहाँ पे आ जाइए लोकल होस्ट 3000 और मेन, देखते हैं क्या डिज़ाइन दे रहे हैं, ठीक है। सी एस एस आपका थोड़ा बिगड़ा हुआ है, ये जा गया, लेकिन सी एस एस आपका बिगड़ा हुआ है क्योंकि सी एस एस वाली फाइल को हमने बाहर पटक दिया है ना। तो एक बार कोशिश करते हैं सी एस एस वाली फाइल को अंदर डालने की, देखते हैं इससे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आती है। बस उसके अंदर ही डाल दिया, ठीक है, मूव कर दिया और फाइल सेव कर चुके हैं पहले से, और यहाँ पे इसको रीलोड करते हैं वापस, देखते हैं क्या होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा इसको, ठीक है। तो अभी क्या करना पड़ेगा हमें, सी एस एस स्टाइल डॉट सी एस एस वाली फाइल कवर कैच नहीं कर रही है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको स्टाइल डॉट सी एस एस को हम डाल सकते हैं अपने उसी फाइल के अंदर, किसके, पब्लिक के अंदर जो भी हमने बनाया था। बहुत सारी चीज़ें चेंजेस करनी पड़ेंगी, सी एस एस वन के अंदर हम डाल सकते हैं चाहे तो, करें देखते हैं, कोई टाइप बनता तो है। तो आप यहाँ से आइए, इस फाइल को उठाइए ऊपर करना, और यहाँ पर सी एस एस वन जो बनी हुई है ना, यहाँ पे मूव कर देना। तो सी एस एस वन कर दिया आपने, तो जैसे आप इस फाइल में आते हो अपने मेन डॉट जी एस में, मेन डॉट ई जी एस में, है ना, मेन डॉट ई जी एस में आओगे आप, तो जहाँ पे सी एस एस वन वन तो लिखा है, तो यहाँ पे स्टाइल भी कहाँ चला गया आपका, सी एस एस वन में चला गया है ना। एक बार इसको भी ट्राई कर लेते हैं, सी एस एस वन में चला गया स्टाइल आपकी, और तानी सी एस एस वन चेक करते हैं एक बार वापस, इसको रिलोड करके देखते हैं क्या होता है। तो आपका ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना, ये आपकी यहाँ पे इमेजेस भी आ रही है, थोड़ा सा बिगड़ा हुआ भी है, कुछ कुछ मैच नहीं कर रहा है, कुछ चीज़ें नहीं ले रहा है, ये नीचे का पूरा सी एस एस बिगड़ा हुआ है, जी एस भी बिगड़ा हुआ है,
मतलब कहने को ये है कि ये आ तो रहा है, ये आपका आ रहा है पर बिगड़े हालातों में आ रहा है। मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता। अच्छा देखिए यहाँ पे जैसे इसको हमने क्या कर दिया है, अच्छा हाँ तो आप यहाँ पे आओगे ना कहाँ पे स्टाइल और पीएसएस में, इसमें जो अपनी फाइलें हैं लोकली ले रखी हैं अब है ना, लोकली ले रखी है ना, मतलब कहाँ से ले रखी हैं, सीएसएस वन से ही ले रखी हैं। तो आपको सीएसएस वन दिखाने की ज़रूरत है क्या? अगर आप इसको केवल ऐसे करें तो सारी फाइल आ रही है ना, तो इस चाहो तो आप क्या कर दो, कंट्रोल डी इसको हटा के डॉट डॉट लगा दो, फिर उसको सेव कर देते हैं है ना। क्योंकि फाइल तो हम लोकली ले रहे हैं तो हमें फोल्डर का नाम लिखने की जरूरत ही नहीं है, एक ट्राई तो बनता है। तो इसको रिफ्रेश कर दिया है, देखते हैं कुछ इफेक्ट आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर ऊपर आपका ये तीर नहीं आ रहा है यहाँ पर, एक है ना एक ही गड़बड़ है। एक नीचे करते हैं ये कुछ बेटर तो हुआ है आपका है ना, सब ठीक आ रहा है। ये कुछ आइकन्स नहीं आ रहे हैं आपके, ये आइकन्स नहीं आ रहे, ठीक है आइकन्स नहीं आ रहे ना। तो आइकन्स के लिए फॉन्ट आइकन्स के लिए क्या यूज़ करते थे देखेंगे अभी इसको भी। तो यहाँ पर गूगल API हो गया आपका, ये सब ठीक है। चलो ये मतलब आपने बना तो दिया है ना, पर पहले चीज़ों को कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो आपको करना क्या है अभी, इसमें गड़बड़ क्या क्या है पहले वो नोटिस कर लेते हैं। तो इंडेक्स पे जब आप आ रहे हो यहाँ पर, तो आपके पहले ये एरो एरो आता है ना, एरो नहीं आ रहा है। तो हम इस ये चीज़ें दिख जाएंगी आपको इसी के अंदर। तो यहाँ पर ये इमेज है ना, तो यहाँ पे इसके कर दोगे इमेजेस वन, इमेजेस इसको क्या कर दोगे वन, फाइल को सेव कर देना, उसको वापस चलाते हैं आपका आ जाएगा। नहीं है क्यों भाई, क्यों नहीं है, इमेजेस वन नहीं तो किया था, और इमेजेस वन का फोल्डर भी तो बना है, बाकी इमेजेस तो आ रही है ना है ना। अरे ऊपर भी और कहीं भी है क्या, सीधे स्लैश लगाओ, इमेजेस वन है ना, CSS1 custom.css CSS1 style। तो इसमें तो नहीं है, अब आप सर्च करिए स्टाइल में इमेजेस। अच्छा ये डबल कोट में नहीं बंद हुआ है, ओके तो इसको आप क्या करो डबल कोट में बंद कर दो, ठीक है। अगला क्या है आपका, यहाँ पर तो हो गया, अगली इमेजेस वहाँ पे भी शायद ये प्रॉब्लम होगी, सब में ये प्रॉब्लम है। तो इन सब को क्या कर कैसे कर सकते हो एक साथ, इमेजेस सबकी अलग अलग है ना, समय अलग अलग करना पड़ेगा। आप इसको बंद करो, मैं इसको बंद करूँ, इसको बंद करो, 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 इसको भी बंद कर दो। और कहीं भी इमेजेस देख लेते हैं, सर्च कर लेते हैं, ये भी है, ये आइकन है ना, हाँ इससे आ जाती है इमेज, हाँ ठीक है अब आपको वो भी आ जाएगा। अगला सर्च करते हैं, अरे यार सब में ये प्रॉब्लम है, छोटी छोटी इमेजेस तो बहुत ज़्यादा होती हैं।
ये तो ठीक लग रहा है, बाकी तो ठीक लग रहे हैं। फाइल को सेव करके एक बार चेक कर लेते हैं क्या हो रहा है। अभी भी आपका ये आइकन नहीं आ रहा, ये है क्या? कैरोसॉल में एग्जांपल कंट्रोल। अच्छा, और नीचे का सीएसएस देखेंगे, ये तो आ रहे हैं, ये भी आ रहा है, ठीक आ रहा है, ये भी ठीक आ रहे हैं, इसके भी आइकन्स नहीं आ रहे हैं और इसके भी आइकन्स नहीं आ रहे हैं। आइकन्स उड़े हुए हैं, अभी कहीं और भी लग रहा है, इमेजेस की कुछ प्रॉब्लम है क्या? अच्छा, आईडी का नाम क्या लिखा है उसे सर्च कर लेते हैं एक बार, समझ में आ जाएगा। इसके आईडी का नाम क्या दिया हुआ है? कैरोसेल एग्जांपल कंट्रोल्स, कैरोसेल एग्जांपल कंट्रोल्स एग्जांपल कैरोसेल कैरोसेल। अच्छा, कैरोसेल वाले सीएसएस में होगा फिर, कैरोसेल वाले सीएसएस कौन सा है? ऑल कैरोसेल है ना ये, इसमें भी इमेजेस होंगी। नहीं इमेजेस, कुछ तो होगा सीएसएस होगा, इमेजेस भी नहीं है, सीएसएस भी नहीं है, जेएस कुछ नहीं है इसके अंदर भी। कस्टम सीएसएस, कस्टम सीएसएस में भी कुछ नहीं है। एनिमेट नहीं समझ में आएगा, ये भी नहीं समझ में आएगा, बूटस्ट्रैप नहीं समझ में आने वाला, प्री बिल्ड है ये तो ना, इसलिए मतलब नहीं समझने से, ये भी आपको मतलब नहीं है। कलर्स, कलर्स में क्या हो सकता है? जी एस इमेजेस मेरे हिसाब से यहाँ पे तो कुछ नहीं होता, सी एस एस जहाँ पर नहीं है वहाँ पे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, कस्टम में कुछ नहीं है। फ्लैटिकॉन्स यहाँ पर आपके फॉन्ट्स, फॉन्ट्स किस फाइलें हैं ये, तो फॉन्ट से क्या फ़र्क पड़ता है? टी टी एफ की फाइलें टेक्स्ट के लिए होते हैं ना फॉन्ट, तो केवल फॉन्ट ऑसम, फॉन्ट की फाइल चाहिए होगी शायद, लग रहा मुझे। फॉन्ट ऑसम फॉन्ट, अब वो फॉन्ट जो है एक पहले से फॉन्ट पड़ा हुआ है तो ये जाने तो देगा नहीं। यहाँ पर है फॉन्ट, यहाँ पे नहीं, इसके अंदर तो नहीं है। ला सकते हैं तो इसको भी उठा के यहाँ क्या कर दो, पब्लिक के अंदर क्या आता रहता पता नहीं, इसको अब मिनिमाइज करो। अरे भाई छोटा हो जा, और यहाँ पर फॉन्ट्स को कॉपी कर दो। ठीक है, तो अब पेस्ट करके देखते हैं कि फॉन्ट्स कोई फ़र्क पड़ रहा है। जी हाँ, फॉन्ट से फ़र्क पड़ रहा था। तो बाकी ये यहाँ पर देख लो, पूरा कंप्लीट बन के आ चुका है। चलिए बधाई हो, अब ऐसे ही मैं सारे पेजेस पे कर दूंगा, आप लोग भी ट्राई करना। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।